अपने स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर आपको कमजोरी की समस्या है या तो फिर आपको चक्कर आने की समस्या है या तो फिर आप हल्के काम करने के बाद पूरी तरह से थकावट महसूस करते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा और आज मैं इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ वीका डेक्सामाइन कैप्सूल्स के बारे में। वीका डेक्सामाइन क्या है, उसका इस्तेमाल कौन कौन सी समस्याओं को खत्म करने के लिए की जाती है, उसकी क्या डोजेस हो सकती है और उसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके। पहले जानते हैं वीका डेक्सामाइन कैप्सूल है क्या। वीका डेक्सामाइन कैप्सूल एक मल्टीविटामिन्स और मल्टीमिनरल्स है जो पूरी तरह से हेल्थ सप्लीमेंट है। मल्टीविटामिन्स और मल्टीमिनरल्स में ये सबसे सस्ती मेडिसिन मानी जाती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं वो काफ़ी मात्रा में मल्टीविटामिन्स और मल्टीमिनरल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो कंपोजिशन मिले हुए हैं वो विटामिन ए है, विटामिन बी टू है, विटामिन बी ट्वेल्व है, विटामिन बी सिक्स है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन डी थ्री है, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है और मैग्नीशियम सल्फेट है। बहुत सारे और भी कंपोजिशन इसमें मिले हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आप जा करके उसके पूरे डिटेल्स के बारे में देख सकते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में मिलाई गई हैं वीका डेक्सामाइन कैप्सूल्स में। अब जानते हैं वीका डेक्सामाइन कैप्सूल्स के यूजेस के बारे में, आखिर इसका इस्तेमाल कौन कौन से जगहों पर किया जाता है। मैंने पहले ही बताया ये एक मल्टीविटामिन्स और मल्टीमिनरल्स है, इसमें काफ़ी मात्रा में मल्टीविटामिन्स और मल्टीमिनरल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है इसलिए इसका इस्तेमाल वीकनेस में, कमजोरी में काफी मात्रा में किया जाता है। अगर चक्कर आने की समस्या है, कमजोरी के कारण आपको चक्कर आने की समस्या है, उस जगह पे भी इसका इस्तेमाल काफी मात्रा में किया जाता है। अगर आपके अंदर किसी भी तरह की विटामिन की डिफिशियंसी है यानी विटामिन की कमी है, चाहे वो विटामिन बी हो, विटामिन बी सिक्स हो, विटामिन बी ट्वेल्व हो, विटामिन बी टू हो, विटामिन ई हो, विटामिन ए हो, किसी भी तरह की विटामिन की डिफिशियंसी है तो इसका इस्तेमाल उस विटामिन डिफिशियंसी में भी काफ़ी मात्रा में किया जाता है। इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन मिली हुई है वो है विटामिन डी थ्री, जो 400 आयु की मात्रा में मिली हुई है। इसका इस्तेमाल मोस्टली कैल्शियम एब्जॉर्बेशन में किया जाता है। बहुत सारे लोग का ये कहना होता है कि अगर वीका डेक्सामाइन का इस्तेमाल करेंगे तो कैल्शियम की मात्रा हम में पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये सिर्फ कैल्शियम एब्जॉर्बेशन के परसेंटेज को बढ़ाता है। विटामिन डी थ्री का काम मोस्टली कैल्शियम एब्जॉर्बेशन के परसेंटेज को बढ़ा देना होता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम है और वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है आपके बोन में, तो विटामिन डी थ्री का काम उस परसेंटेज को बढ़ा देना है, उस लेवल को बढ़ा देना है, एब्जॉर्बेशन लेवल को। इसमें फॉलिक एसिड की भी मात्रा मिली हुई है जिसके कारण एनेमिया में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में किया जाता है। अगर खून की कमी है, शरीर में खून की कमी है, उस जगह पर भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में किया जाता है। वीका डेक्सामाइन का इस्तेमाल त्वचा संबंधित समस्याओं में भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, या तो फिर आपके आईसाइट प्रॉब्लम है, आँखों की समस्या हो, या तो फिर बालों की समस्या हो, या तो फिर आपके मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या हो, या तो फिर कमजोरी हो, किसी भी तरह की कमजोरी के कारण कोई भी समस्या उत्पन्न हुई हो, वीका डेक्सामाइन वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वीका डेक्सामाइन आपके सभी समस्याओं को दूर करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि वीका डेक्सामाइन इस्तेमाल करने के बाद इन सभी समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। ये सारे समस्या अगर आप में उत्पन्न है, कमजोरी के कारण उत्पन्न है, वीकनेस के कारण ये सभी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उन सभी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर आप में विटामिन कैल्शियम की कमी है तो आप इसका इस्तेमाल एब्जॉर्बेशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली आपको कुछ अलग से भी लेना पड़ेगा कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं, लेकिन किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आप जानते हैं वीका डेक्सामाइन के डोजेस के बारे में, आखिर इसका खुराक क्या हो सकता है। वीका डेक्सामाइन का खुराक सभी बीमारियों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका जो कॉमन डोजेज है वो मोस्टली एक कैप्सूल पर डे का है, यानी एक कैप्सूल एक दिन में,
मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इसका इस्तेमाल करने को कहा जाता है, ताकि जो भी लोग इसका इस्तेमाल करें उनके शरीर में पूरे दिन स्फूर्ति बनी हुई रहे, उनको किसी भी तरह का वीकनेस या तो फिर चक्कर की समस्या ना हो। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप एक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीका डेक्सामाइन कैप्सूल्स के साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं। अगर आप इस कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इसका जो साइड इफेक्ट देखा गया है वो चक्कर आना देखा गया है, सर दर्द देखा गया है, वोमिटिंग देखा गया है, रैशेस देखा गया, आपके बॉडी पे खुजली वगैरह उत्पन्न हो सकता है। अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट हुआ तो बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट और बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट इसका देखा गया है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी भी तरह का साइड इफेक्ट दिखे तो आप अपने डॉक्टर से सजेशन जरूर लें, डॉक्टर से कॉन्टैक्ट जरूर करें, और इस मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें और तभी इस मेडिसिन की पूरी डोज लें और पूरी खुराक लें। इस मेडिसिन का इस्तेमाल लॉन्ग टाइम के लिए न करें। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए इसका इस्तेमाल करना है तो आप अपने किसी डॉक्टर से सजेशन लें, आपको क्या और किस तरह की वीकनेस है वहाँ पे आप सजेशन जरूर लें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इस मेडिसिन को आप लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल ना करें। ये केवल एडल्ट मेडिसिन है, ये बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए इस मेडिसिन को अपने बच्चों से दूर रखें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।